अभी मेरी भी नींद ठीक से खुली नहीं है। ओ भाई, आज संडे है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और ऊपर से ये रजाई से निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। रुचा नहीं होती है तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग होती है, ऐसे बस एकदम लेजी लेजी सी। और ऊपर से आज संडे, एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गई है। अभी रुचा का फ़ोन आया तब पता चला, और उसके फ़ोन से ही मैं उठाऊँ तो भी फटाफट फ्रेश हो जाता है। ये देख रहे हो रूम की हालत, और ये देखो ये जैकेट्स नीचे गिर गए। ये इसके यहाँ पे ऊपर ही रहता है, मैं इसको अंदर बाहर रखता नहीं हूँ। और ये इतने 2-3 दिन के कपड़े, तो इसको ये फिर से उठाया और ऐसे ही रख दिया। ये कपड़े आज वॉश में फिर से देने पड़ेंगे। मतलब वॉश में देने पड़ेंगे, मतलब नीचे मम्मी को, मम्मी ऊपर तो आती नहीं है। आज लेके जाऊंगा 2 दिन के कपड़े, ऐसे कैसे ही पड़े। चलो पहले फटाफट मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मतलब नहा धो के ही मिलता है आपको, फिर आपको करते हैं गुड मॉर्निंग बराबर। तो भाई लोग, हमारे घर में आशु है और आज गांव से भैया और भाभी भी आए हुए हैं, तो ये लोग मेरे को सोने नहीं देंगे ना ठीक से नहाने देंगे। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो है गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। तो अभी जा रहे हैं, आज संडे तो मैंडेटरी है ना कि यहाँ की स्पेशल आइटम आलू पूरी और सब खाने की। और ये देखो, ये देखो। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि अभी आशु को बाइक भी सिखानी है ना, सीखेगी। तो चलो भाई, इसको बाइक भी सिखाएंगे। तो पहले तो जाके फटाफट आलू पूरी और वो सब ले आते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर बाद में ही रेडी होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुकी है। अरे कौन सी एग्ज़ाम थी, क्या नहीं थी, वो सब मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा, मतलब बताऊँगा, दिखाऊँगा तो क्या, जाने वाला तो हूँ नहीं। और ये देखो हमारी हैवी ड्राइवर। चल ड्राइवर, गाड़ी निकाल। कैसी फीलिंग आती है? ये आलू पूरी जब इतने बजे घर पे आती है ना, तब ये मम्मी की दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि फिर मम्मी का ये सब जो बनाया हुआ है ना, वाह भाई वाह, ये वो सब वेस्ट होता है। आशु भी लीजो। हाँ, ये आशु, ये मम्मी, बंगार की शक्ल की सेमड़ी। नहा धो के हो गए हैं, ऑल सेट। आज संडे तो अपने ओरिजिनल अवतार में आ गया, नीचे चड्डा ऊपर टी शर्ट, बस और कुछ नहीं। और चिल करो, आज संडे है तो। हाय हाय, बाल लंबे करूँ क्या? कमेंट करके बताना ज़रा, लंबे बाल कैसे लगेंगे मेरे पे। चलो कोई नहीं गाइस, अभी मैं फटाफट से एक मेरे को व्लॉग एडिट करना है, वो व्लॉग एडिट कर देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज संडे, और संडे को हम हर संडे जाते हैं दोस्तों को मिलने के लिए। तो बच चुका है 1:30 और हम जाएंगे खेतला पर दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले ये जो रुचा के बुक्स है वो नीचे मम्मी को देनी है, क्योंकि वो लोग गांव जा रहे हैं, तो ये बुक्स उसको वहां पे सबमिट करवानी है इसके लिए, वरना मैं भूल जाऊंगा, इसलिए अभी से ही दे देता हूँ। और धूप तो देखो, ओ बाय 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 बाय, ठंडी एकदम गायब ही हो गई है भाई सूरत में से। तो बोलता है बड़ा होने के बाद कार्टून नहीं देखा जाता। ये देखो पापा और भाई दोनों कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून भी कौन सा है, आई थिंक मोटू पतलू। मोटू पतलू कार्टून देख रहे हैं वो दोनों। खाना खा ले। ये बहुत डरती है मेरे से। बीच में फिर से रुक गया था, घर पे ही रुचा का फोन आया था। एक तो वो पागल ऐसी है ना, वहां पे एग्जाम देने के लिए गई है और बुक्स यहाँ पे छोड़ के गई है। मैंने आपको दिखाया ना, बुक्स में नीचे लेके आया, तभी फोन करके बोलती है प्रेरक यार मेरे को बुक्स के, मैं जो जो क्वेश्चंस भेजती हूँ ना उसके मेरे को आंसर्स बुक में से फोटो खींच के भेजो ना, बोले मेरे को थोड़ा बहुत अभी रीड करना है। बोला ऐसा पागल कौन होता है, एग्जाम होती है, बुक्स लिए बगैर एग्जाम देने के लिए चले जाता है। चलो तो कोई नहीं, अभी अपन चलता है खेतला आपा पे, वहाँ पे कुछ होता है तो दिखाते हैं। ये विक्की भाई हमारे पकोड़ा वाले,
अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर संडे को भी अपने पकोड़े चल गए तो अपना धंधा हो जाएगा। कितने पकोड़े बेचे विक्की उसने तेरे सामने? 100-150। और ये देखो हमारी अभी पकोड़ा पार्टी हो रही है विद चाय। कर लो तुम पहले कर लो। तो भाई लोग आप लोगों ने देखा वैसे हमारी पकोड़ा पार्टी तो हो गई। सुबह आलू पूरी खा ली थी, मतलब अभी रात का डिनर भी स्किप नहीं करना है। और अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई है, पापा सुबह लेके गए थे तो बोले कुछ अजीब सी आवाज़ कर रही थी। अभी आशू के पास चाबी मंगवाई है, वो चाबी देती है तो एक बार गाड़ी चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है गाड़ी में, क्योंकि अभी मम्मी पापा को गाँव भी जाना है ना, तो गाड़ी सही होनी चाहिए। और ये देखो ये किसी ने कारस्तान किया है, वो ये देखो ये वहाँ पे ये थूक के चला गया है कोई। गाड़ी देख ली मैंने, उसमें कुछ हुआ नहीं था, गलती से पापा से ऐसे हैंड ब्रेक चढ़ाई हुई थी और उसमें ही पापा ने ऐसे गाड़ी चला ली होगी, इसकी वजह से उनको ऐसे दिक्कत हुई होगी। बाकी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन कम्प्लीट है, मैंने मेरे हिसाब से चेक कर ली है बराबर, और आपके भाई ने चेक की, मतलब गाड़ी कम्प्लीट ही होती है। और व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं एग्ज़ाम है आज, एग्ज़ाम है आज, एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो भाई वो एग्ज़ाम थी जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम थी, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, और वो कैंसिल हो गई थी सुबह। क्यों? क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। देखो ऐसा मेरे को तो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब ना प्राइवेट जॉब, अपन को जॉब पसंद ही नहीं है, अपन बंदे हैं बिजनेस करने वाले पहले से बराबर। ये तो रुचा ने एप्लीकेशन कुछ आया होगा तो उसने फॉर्म भरा था, मैंने बोला चल भाई भर दे, एक घंटे की तो एग्ज़ाम है, ऐसे ऐसे ओएमआर शीट आती है तो चक्कर करके आ जाएंगे, बाकी अपन ने पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं थी, लेकिन लकीली एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो बस यही है, अभी तो सब लोग बाहर गए हुए हैं, फिर से आपका भाई घर में अकेला ही है, सब शॉपिंग पे गए हुए हैं। भैया भाभी आए थे तो उनको कुछ शॉपिंग करनी थी तो सब गए, मम्मी पापा आशु भैया भाभी सब लोग गए हुए हैं। मैं और दादा घर में अकेले हैं, दादा अपना थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हैं, और एक किसने किया था यार मैं नाम भूल गया, लेकिन किसी के कमेंट आया था कि दादा के साथ व्लॉग करो। तो भाई देखो उनका अभी उनकी एज अभी हो गई है 89, वो ज़्यादा ऐसे हिलन चलन करते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन उनको अभी ये सब पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं कैमरा लेके जाऊँगा तो वो ऐसे थोड़ा चिढ़ जाता है। तो कोई नहीं, वो तो बाकी बस। और दूसरी चीज़ ये कि व्लॉग मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रुचा अहमदाबाद गई हुई है, आज संडे है, तो मैंने उसको बोला चल भाई तू मम्मी पापा के साथ अपना एंजॉय का टाइम स्पेंड कर ले, बाकी तो कल फिर वही व्लॉग करेगी, फिर उसकी एग्ज़ाम होगी तो दोपहर का सीन मैं मेरा जो कर रहा हूँ वो आपको दिखाऊँगा। और यार आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? कमेंट्स बहुत कम आते हैं। अभी बीच में किसी की एक कमेंट आई हुई थी कि आज व्लॉग में मज़ा नहीं आया, लेकिन वो कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर उसको पसंद नहीं आया तो उसने एटलीस्ट बोला तो सही मेरे को कि भाई ये पसंद नहीं आया मेरे को, तो मैं उस पर इम्प्रूव कर पाऊँ। आप लोगों को पसंद आता है क्या नहीं वो आप मेरे को बताओगे कैसे? मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को क्या देखना है? अभी हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो अगर आप लोग ही एंटरटेन नहीं हो पाओगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी आपके सजेशंस हो, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, क्या बुरा लगा, क्या गलत बोला, क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग कैसे बताओगे कमेंट्स करके? तो यार कमेंट्स किया करो, मेन बात वही है ना। और अभी मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा पीने का मन कर रहा है, तो अभी मैं खोजता हूँ घर में, कोल्ड ड्रिंक तो होगा ही, देखो आशु घर में है तो कोल्ड ड्रिंक तो होने ही है घर में, कोल्ड ड्रिंक और वेफर कुरकुरे, आशु घर में है मतलब ये चीज़ें होनी ही है, ऐसा है हमारे घर पे, उसको वो सब चाहिए ही। रुचा गई और हमारे घर में तो पार्टी पे पार्टी हो रही है। कल पानी पूरी बनाई थी और आज मम्मी ने बनाई है पाव भाजी। उसे गम कहते हैं रुचा का। हैं? उसे रुचा का गम कहते हैं। रुचा याद ना है मतलब समझ रहे हो, रुचा इतना खाती है, मम्मी बोलती है रुचा की याद ना है, इसके लिए हम लोग रोज अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और खाते रहते हैं। ये देखो ये
और ये मेरी फेवरेट रतलामी सेव। देख रुचा कितनी सारी है, अंदर छाछ पड़ी है आशु। ये देख छाछ भी है, और अभी आज नया वाला दही का पैकेट भी रुचा लाया है। तू रह गई आशु। ये कौन है लड़की? अबे पागल औरत, नाम क्या है इसका? आद्या। आद्या तो ये भाई हमारे भैया भाभी जो आए हैं गांव से, उनकी बेटी है। और ये मेरे से बहुत डरती है। ये देखो जैसे नजदीक जाता हूँ ना, ये देखो नजदीक जाता हूँ तो मम्मी मम्मी करती है। और अब ये तीनों लोग मिलके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जूस निकाल रहे ग्रेप्स का। लोग आ चुके हैं रूम में, और कब से मैं गया था फिर से दोस्तों को मिलने के लिए, आया वापस और नीचे हॉल में बैठ के सबके साथ बातें चल रही थी। भैया भाभी आए हुए हैं, पापा और सब, हम लोग बैठ के बातें चल रही थी। और बातें करते करते कब ऑलमोस्ट 12:30 बजने को आए पता ही नहीं चला, तो मेरा एकदम से ध्यान गया तो मैं ऊपर आ गया, भाई चल भाई कल तो मंडे है, अपने को तो ऑफिस वॉफिस जाना है। तो कोई नहीं भाई लोग, अगर ये आज का व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।